चलती का नाम जिंदगी, वो जिंदगी जो हमेशा चल रही है और कभी नहीं रुकती। और इस चलती हुई जिंदगी में कब किसी के सामने कोई चैलेंज आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई दुख भरी कष्ट भरी घड़ी आ जाए, चाहे वो हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, रिलेशनशिप का इशू हो या कोई भी और चुनौती। और ये चुनौती ये नहीं देखती कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हैं, इस व्यक्ति का जीवन में इस समय कोई और संघर्ष चल रहा है तो इस समय ये चुनौती नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, जब ऐसा चुनौतीपूर्ण समय हमारे जीवन में आता है तो हम क्या करते हैं? हम एक बड़ी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी, और कुछ ऐसा है जो हमें करना है ताकि हम उस प्रॉब्लम के सलूशन के साथ तुरंत जुड़ सके। कहते हैं प्रकाश की एब्सेंस ही अंधकार है और अंधकार को दूर करना केवल प्रकाश के बस में है। इसी तरह से चुनौती से बाहर निकले तो कैसे? सबसे पहली गलत वो जो ज्यादातर लोग करते हैं, और वो ये है कि हम उस चुनौती को स्वीकार करने में या तो बहुत लंबा समय लगा देते हैं, और कुछ एक तो ऐसी हैं जो स्वीकार ही नहीं करते। वो किस्मत को कोसते हैं, अपने समय को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, हालात को कोसते हैं और उसी में फंस कर रह जाते हैं। या फिर कुछ एक ऐसे हैं जो लंबा समय ये करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने मन को समझाकर उस चुनौती को, उस तकलीफ को स्वीकार करते हैं। Whereas, चाहिए ये कि हम उस परेशानी को, उस चैलेंज को तुरंत स्वीकार करें, क्योंकि अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप अपने चलते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं तो ये गाड़ी तो चल रही है, हम खड़े हो गए हैं, हम रुक गए हैं, और हमारे रुकने से ये गाड़ी रुकने वाली नहीं। दूसरी चीज जो हमें बिल्कुल नहीं करती, और वो ये है कि अक्सर लोग जब स्वीकार कर लेते हैं कि परेशानी आ गई तो एक और गलती कर लेते हैं, और वो ये गलती है कि वो अब अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं, वो अपने आप को बेचारा समझने लगते हैं, वो अपने आप को बेचारा समझते हुए दूसरों से हमदर्दी लेने के लिए भागने लगते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने आप को विक्टिम मत बनने देना, अपने आप को दूसरों की हमदर्दी के लिए एक बड़ा पात्र मत बना देना, क्योंकि ऐसा करने से भी आप एक बहुत बड़े सोल्यूशन से दूर रहते हैं। आपको करना क्या चाहिए? आपके जीवन में जब भी कोई चुनौती आई, गो मेडिटेट, उस परम शक्ति से जुड़ जाओ। जहां से ये ताला बना वहीं से चाबी बनी है। हर मुश्किल का एक समाधान है, बस आपको मुश्किल को स्वीकार करना है, अपने आप को विक्टिम नहीं बल्कि मालिक समझना है कि आप इस ताले को जानते हैं और ये चाबी आपके पास है, और ये चाबी तभी मिलेगी जब आप उस क्रिएटर से जुड़ेंगे। मेडिटेट करिए, इसका सलूशन जानिए, आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो सब आप ही के अंदर से प्रकट हो जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होइए, घबराइए नहीं, चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए, अपने जीवन के रचनाकार बनिए। जीवन में, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कंसेंट से हो रहा है। ओशो ने एक बहुत सुंदर बात कही कि लाइफ इज बिटवीन पीक्स एंड वैलीज। आपके जीवन में अगर सुख की पीक पर हैं तो आगे हो सकता है आपको सुख की वैली देखनी, मतलब उस चोटी के बाद सुख में कमी आ सकती है, और यदि दुख की चोटी पर हैं तो यकीन रखिए क्योंकि अब दुख में भी कमी आने वाली है। तो लाइफ इज बिटवीन पीक्स एंड वैलीज, क्योंकि हमें सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है, तभी तो आप अपनी ताकत को, अपनी रियल वेल्थ को जान पाएंगे। आनंदित रहें, खुश रहें, अपने जीवन के क्रिएटर बनें।